25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने महागठबंधन पर पोस्टर वॉर कर दिया है। इस पोस्टर में पीएम मोदी को भगवान श्री राम का दर्जा और अमित शाह को उनका हनुमान दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पोस्टर में महागठबंधन का जिक्र नहीं है। इस पोस्टर में लालू यादव और तेजस्वी यादव का कार्टून बनाया गया है। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, कहाँ छिपे चाचा, जिसके जवाब में लालू यादव बोल रहे हैं, कुर्सी तो बचाएं। आपको बता दें कि पटना के बापू सभागार में आयोजित स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में अमित शाह शामिल होंगे। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर राजधानी पटना को बीजेपी के बैनर पोस्टर्स से पाट दिया गया है। हर चौक चौराहे पर बीजेपी का बैनर पोस्टर और झंडा लगाया गया है। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और बीजेपी नेता लव कुमार सिंह का फोटो लगा एक होल्डिंग पटना में भी लगाया गया है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आगमन पे बीजेपी कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाया गया है, मोदी को हनुमान और अमित शाह को, मोदी को राम और अमित शाह को हनुमान बनाया गया, इस पे क्या कहना है? यह पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को? और ये नकली पोस्टर लगा करके ये राम और हनुमान का ये क्या बताना चाहते हैं? हनुमान तो रावण के लंका में आग लगा दिया था, तो ये कौन सा राज चल रहा है? जब राम राज लाने के लिए जनता ने सत्ता सौंपी थी और ये राज ला करके जो भाई भाई में लड़ाई करवा रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, किसान परेशान हैं, देश की गरीब जनता का खजाना अडानी के हवाले लुटा रहे हैं, तो ये कौन सा राम और कौन सा हनुमान है? इस बार असली हनुमान 2024 में जिस तरह बिहार में आग लगाई गई, बीजेपी को सत्ता से बाहर किया गया, उसी तरह से जो गोडसे के लंका है उसको जलाया जाएगा, गांधी के विचारों को बचाया जाएगा। क्या पोस्टर से कोई फायदा नहीं होने वाला है? कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ये लड़ाई है सच और झूठ की, गरीबी और अमीरी की, ये लड़ाई है पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार की, गरीबों और किसानों और नौजवानों की। ये पोस्टर लगा करके ये क्या चाहते हैं? राम राज स्थापित नहीं कर पाए और गांधी जी के विचारों को भी कुचलने का प्रयास किया जाने लगा, इसे बचाने के लिए आज देशवासियों ने ठाना है बीजेपी को 24 में हटाना है। अमित शाह के आगमन पे बाहर जो पोस्टर लगाया गया है, अमित शाह को हनुमान और मोदी जी को राम बनाया गया, इससे क्या कार्यकर्ता अपनी स्वेच्छा से अपने भावना से कुछ कुछ चीज़ों रखते हैं, ये तो उनकी भावना है। लेकिन जिस प्रकार से आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और उनके कामों को कराने में जिस प्रकार से अमित शाह जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार उन चीज़ों को कार्यान्वयन करने में लगे हुए हैं, इस देश में 370 धारा समाप्त हुआ, इस देश में कश्मीर को जो लगातार एक आतंकवादियों का घर बना दिया गया था, आज कश्मीर पूरी तरह से खुशनुमा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करने वाला व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अमित शाह जी हैं। तो निश्चित रूप से लोगों को कार्यकर्ताओं की भावना में आ रहा है कि राम की जब रावण से लड़ाई हो रही थी तो उसमें हनुमान जी ने जो भूमिका निभाई थी वो भूमिका कहीं ना कहीं आज अमित शाह जी निभा रहे हैं, तो इसलिए उनके आगमन पर इस तरह की भावना का कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया है। अब जिनको बेचैनी हो रही है वो समझें कि रावण का तो राज समाप्त हुआ ही है, जो भी अधर्म करेगा उसका समाप्ति होना तय है, हर युग में कोई ना कोई राम बनकर पैदा होता है। आरजेडी का कहना है सर कि वो पोस्टर लगाने से राम और हनुमान नहीं हो जाएंगे। हाँ भाई, राम का तो अपमान करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग राम को होने पर सवाल उठाते थे कोर्ट में एफिडेविट डालकर, तो आज राम से डर क्यों रहे हैं? अभी तो राम के उन्हीं के शिक्षा मंत्री ने तो आवाज़ उठाई थी कि राम पर 10 तरह के रामायण पर शब्द अपशब्दों का प्रयोग किया था, तो आज राम के नाम लेने से क्यों डरते हैं? आपको तो मालूम है कि राम और कांग्रेस के लोग कौन है जो राम सेतु पे और राम पे होने पे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किए थे कि राम के विषय पे सवाल उठाया था कि वो है ही नहीं, वो काल्पनिक है, तो आज क्यों डर रहे हैं उनसे?